नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। एज अ स्पेशल एजुकेटर स्पेशल फील्ड को डील करती हूँ। इसी के साथ आपको इस चैनल पर स्पेशलाइजेशन के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। स्पेशलाइजेशन यानी कि दिव्यांग बच्चों के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, जो आजकल नई अपडेट चल रही है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। दोस्तों, पिछले वीडियोज़ में हमने डिसेबिलिटीज़ के बारे में जानकारी की, पता की है कि इसमें कैसे होती है, क्यों होती है, किस कारणों से होती है। आगे हमने चर्चा की थी कि हम अपने डिसेबिलिटीज के बारे में बताएंगे, लेकिन आज एक नई अपडेट आया जो जिसके बारे में अपने सभी न्यूज़ चैनल सब में दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारे दिव्यांग पर्सन्स के पास ये नॉलेज नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ एक ही है कि डिसेबल पर्सन्स अपनी अधिकारों के बारे में जानकारी रखे, अपने राइट्स के बारे में जानकारी रखे, जो कि न्यू अपडेट होती है उसके बारे में जानकारी रखें। हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो इस बारे में जानकारी नहीं रख पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारी जो मेन दिक्कत है वो फास्टैग है। फास्टैग क्या है, क्यों है और किस लिए है, और फास्टैग कब आया, क्यों आया, किस लिए आया, इन सब क्वेश्चनों का, इन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो फास्टैग क्या है, किसके बारे में है, इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। स्पेशली ये दिव्यांग पर्सन्स के लिए है, वो लोग इस पर ज़रूर ध्यान दें कि इसमें हमारे क्या राइट्स हैं, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, हम क्यों यूज़ कर सकते हैं इसे। अगर आप इसे यूज़ नहीं कर सकते तो आप इसके फ्री ऑफ कॉस्ट जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं पा पाएंगे। तो फास्टैग जब लागू हुआ है 1 दिसंबर 2019 को लागू हुआ, जो भारतीय संशोधन नियम के अनुसार 1 दिसंबर 2019 को लागू किया गया फास्टैग एक्ट। फास्टैग आर एफ आई डी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक टोल्स कलेक्शन सर्विसेज तकनीक है, जिसमें हम अपने जो मोटर व्हीकल्स चलाते हैं, अच्छे फोर व्हीलर वाहन चलाते हैं, जो हमारे अधिकतर जितने भी वाहन हैं हम उनको मॉडिफाई करके चलाते हैं, तो वो हमारे टेक्निकल फास्टैग टैक्स के अंदर आते हैं। और फास्टैग टैक्स एक तरह का सर्विस टैक्स है, जो कि हम जब भी कोई गाड़ी लेने जाते हैं, वहाँ पे हमें अब फ्री में इसके बारे में बताया, जानकारी दी जाती है कि आप फास्टैग टैग करिए, लगवाइए, फास्टैग क्या है, फास्टैग के बारे में आप अपनी गाड़ी का मॉडिफिकेशन करते हैं। दिव्यांग पर्सनों के लिए स्पेशली है कि ये टोल फ्री है, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है, इसका कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपने बना सकते हैं जाके। और जब भी फास्टैग किन पे लागू हो रहा है, फास्टैग दिव्यांग पर्सन्स के ऊपर भी लागू हो रहा है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक कार्ड बनाना होगा, जैसे कि एटीएम होता है, एटीएम की तरह का ही एक कार्ड होता है जो प्रीपेड रूप में बनाया जाता है, इसको रिचार्ज किया जाता है। रिचार्ज कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, दोस्तों अगर आपका रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, बाई चांस आपका किसी टोल पे आके आपका रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, तो आप क्या उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, आप उस टाइम पे उसको अपने नियर बाय बैंक से कहीं से भी रिचार्ज करवा सकते हैं। और ये कौन कौन से बैंक हैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ और आपको एक नोट्स भी देती हूँ। जो बैंक हमारे फास्टैग कार्ड बना रहे हैं वो है एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इंडोसिंड बैंक, SBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये और HDFC बैंक है। ये सब बैंक हमारे जो फास्टैग कार्ड बना रहे हैं। इसमें क्या करना होगा आपको, जो हमारे डिसेबल पर्सन्स हैं, जो हमारे दिव्यांग जन हैं, उनको अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जो अपने गाड़ीज़ के लिए रिलेटेड हैं उन सबको लेके जाना है। वो आपको एक फास्टैग कार्ड, जो फास्टैग कार्ड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, फास्टैग कार्ड बनाने के लिए हमें चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, रेजिडेंस प्रूफ और एक बैंक की पासबुक की कॉपी की फोटोकॉपी और दो आपकी पासपोर्ट साइज़। ये डॉक्यूमेंट आपको बैंक को सबमिट करवाने होंगे। बैंक इस सबमिट करने के बाद एक वन वीक के अंदर, विद इन वन वीक के अंदर आपको ये कार्ड बना के इशू करेगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका इन बैंकों में खाता होना चाहिए, आपका खाता किसी भी बैंक में हो, आप अपनी पासबुक लेके जाइए। अब गवर्नमेंट के द्वारा अथोराइज्ड बैंक्स हैं, जो जिनको कुछ चुनिंदा बैंक्स हैं जिनके मैंने अभी नाम लिए आपके सामने, इनमें आपको जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, अपनी RC जमा करानी है, तो आपको एक फास्टैग कार्ड रिचार्ज इशू कर दिया जाएगा, जो आप किसी भी टोल पे जाओगे
और आपको फ्री ऑफ एंट्रीज मिलेगी। तो इस कार्ड को बनाने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं बैंक के द्वारा। हाँ, इन फ्यूचर लिए जा सकते हैं इस कार्ड को बनाने के लिए। अभी जो स्टार्टिंग हुआ है, 1 दिसंबर से जब स्टार्टिंग हुआ है, अभी तक इसका कोई भी रिचार्ज का, कोई भी इसका कार्ड का, कोई फास्टैग कार्ड का कोई भी चार्जेस नहीं लिया जा रहा। जैसे कि एटीएम का चार्ज लिया जाता है, क्रेडिट कार्ड का लिया जाता है, डेबिट कार्ड का लिया जाता है, इन सब कार्डों के चार्जेस लिए जाते हैं। लेकिन फास्टैग कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसके बारे में अभी आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं बैंक के द्वारा। आप जितना जल्दी हो सके आप अपना कार्ड इशू जरूर करवाएं। चार्ज करने के लिए आपको क्या करना होगा, रिचार्ज करने के लिए आप नेट बैंकिंग यूज़ करेंगे, क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे, डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे, नेट बैंकिंग यूज़ करेंगे। इनके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग भी है जिसमें आपका यह रिचार्ज हो जाएगा और आप मैक्सिमम 1 लाख के अंदर अंदर इसको रिचार्ज करा सकते। 1 लाख से ज़्यादा आप रिचार्ज नहीं करवा सकते। आपके जो टोल है वो 1 लाख के अंदर अंदर ही इसमें रिचार्ज होगा। इससे ज़्यादा रिचार्ज कराने पर आपका यह कार्ड बैन हो सकता है या आपको इनवैलिड शो कर देगा। आपका यह कार्ड बन जाता है तो कार्ड बनने के बाद क्या होता है कि आपको जब आप टोल्स पे जाते हो तो वहाँ पे आपको ये अपना दिखाना होता है, कार्ड दिखाना होता है या सेंसर कोड दिखाना होता है। इसमें आपको 2.5% तक कैशबैक की बेनिफिट्स हैं और आपके अकाउंट में जो जितना पैसा कटता है टोल के लिए, सर्विस के लिए, उसमें से आपको 2.5 वापस भी आ जाता है। तो अभी तक जो जानकारी दी जा रही थी वो फास्टैग के बारे में दी जा रही थी कि फास्टैग क्या है, कैसे है, क्यों यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है। मोटरवाइज व्हीकल्स के लिए होता है, कार के लिए होता है। ये सिर्फ सभी अपने ऑल ओवर इंडिया में लागू हो चुका है। लेकिन आपको एक बेनिफिट की बात बताऊं, जो हमारे दिव्यांगजन है, PWD एक्ट के अंदर डिसेबिलिटीज आती हैं, उनके लिए ये बिल्कुल फ्री है। उनका कोई भी चार्जेस नहीं लगता, उनको किसी भी टोल पर रोका नहीं जा सकता और वो वहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया में फ्री ऑफ ट्रैवलिंग कर सकते हैं। आपको ये सबसे जान के खुशी होगी कि हमारे PWD एक्ट की वजह से हमारे दिव्यांगजनों को ऑल ओवर इंडिया में फ्री ऑफ ट्रैवल, टोल फ्री ट्रैवल दिया जा रहा है। तो इसका आप जरूर बेनिफिट बनाए। और ये ट्रैवल आपको फ्री तभी मिलेगा जब आप अपना ये फास्टैग कार्ड बनवा लोगे। अगर आप कार्ड नहीं बनवाते हो तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमारे जो डिसेबल पर्सन्स हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए उनकी गाड़ी का ICPC पास चाहिएगा, IC पासिंग पास चाहिएगा, जो कि एक हमारे ऑटो रूल्स के अंडर आता है जिसके द्वारा अपने हमारी गाड़ी इसके अंडर पास आउट होती है। IC फोटो कार्ड क्या होता है, इसमें यह होता है कि आपका जो कार का नंबर है IC पासिंग होना चाहिए, आपकी जो RC है वो IC पासिंग नंबर होना चाहिए और आपका RTO से छूट होनी चाहिए। RTO के द्वारा आपको छूट होनी चाहिए और RTO की से छूट जब मिलेगी, जब आपकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा होगी। अगर 40% से कम डिसेबिलिटी है तो आपको ये छूट नहीं मिलेगी, आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिएगा, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को बेनिफिट मिलेगा जो 40% से ऊपर की डिसेबिलिटी में हैं। 40% तक की डिसेबिलिटी वाले बंदों को ये बेनिफिट दिया जाएगा। 1 दिसंबर 2019 के एक्ट के अकॉर्डिंग, RTO के एक्ट के अकॉर्डिंग, ये दो तरह के बेनिफिट दिए जाएंगे, और न्यू कार पे भी है और पुरानी कार पे भी फास्टैग यूज़ होगा। न्यू कार पे कैसे होगा, पुरानी कार पे कैसे होगा, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देती हूँ कि न्यू कार है जो, वो आप जिस भी डीलर के पास जा रहे हैं वो आपको ऑटोमेटिक फास्टैग बना के देगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, वहाँ पे जाके आपको अपनी गाड़ी में जो जो आपको मेमेंट्स चाहिए, यानी कि आपको जो मॉडिफाई चाहिए, और हाँ, ये सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को मिलेगा जिनमें स्पेशल मॉडिफिकेशन अडेप्टिव डिवाइस लगे होंगे, यानी कि विकलांग जनों के लिए स्पेशल विशेष तौर पे तैयार की गई गाड़ी, जो कि सिर्फ विशेष ही लोग, यानी कि जो दिव्यांग जन है वही चलाते हों, उन्हीं के लिए गाड़ी यूज़ की जाती हो, उसी पे इसको छूट मिलेगा, ना कि आपको नॉर्मल गाड़ी पे मिलेगी। जब भी आप कभी गाड़ी लेने जाते हो तो गाड़ी लेने जाते हो तो वहाँ पे आपको बताना होगा कि हम किस पर्पस के लिए ले रहे हैं, हमारी डिसेबिलिटी है। अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो आपको वहाँ पे अपना डिसेबिलिटी का कार्ड, UDID कार्ड और अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड, ये सब सबमिट कराना होगा और आपको उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई गाड़ी दी जाएगी। तो जब आपको ये मॉडिफाई गाड़ी दी जाएगी तो वहाँ पे
डीलर के द्वारा आपका वो जो फास्टैग कार्ड है वो बना दिया जाएगा, जो ऑल ओवर इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। दोस्तों जब आप अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवा रहे हैं, डिसेबल पर्सन्स जो अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवा रहे हैं, रजिस्टर करा रहे हैं, आरसी रजिस्टर करा रहे हैं, आरसी रजिस्टर करा रहे हैं, उसमें आपको 6 से 5% तक रोड टैक्स में भी छूट मिलती है, और जो जीएसटी है उसमें भी आपको छूट मिलेगी। और जो आपकी गाड़ी है एक ऑथराइज डीलर से आप लीजिए, ऑथराइज डीलर ही आपको इसके बारे में प्रॉपर जानकारी देगा, प्रॉपर आपको कार्ड बनाएगा। इसके लिए आपको ज़्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आप सिर्फ बैंक में जाइए और बैंक में जाके अपना कार्ड बनवा लीजिए। इसके लिए आपको देना होगा अपना लाइसेंस, आरसी, अपना आईडी प्रूफ, अपना इनकम प्रूफ, और फास्टैग के लिए रेजिडेंस प्रूफ देना होगा आपको, तभी आपका एक फास्टैग कार्ड बनेगा। और साथ में आपको डिसेबिलिटी का भी प्रूफ देना होगा, जो 40% से ऊपर होगा। अगर 40% से नीचे होता है तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप किसी एक्सीडेंट की वजह से डिसेबल हुए हैं, या कि आपको कोई जन्म से कोई प्रॉब्लम है और आपके अकॉर्डिंग वो गाड़ी मॉडिफाई होगी, तभी आपको ये फास्टैग कार्ड मिलेगा, और इससे आप टोल फ्री ट्रेवलिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर फास्टैग के बारे में आप और जानकारी लेना चाहते हैं, इसके रूल्स के बारे में, दिव्यांगजनों के बारे में, रूल के बारे में जानना चाहते हो, तो CCPD एक वेबसाइट है जिसके हमारे फास्टैग के पूरे रूल्स लिखे हुए हैं। आपको उसको पढ़ सकते हैं, उसके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उसके आप कर सकते हैं। अगर आपके साथ किसी तरह का धक्का हो रहा है, आपको को नहीं बनाया दिया जा रहा, या आपको चक्कर लगवाए जा रहे हैं, आपसे किसी तरह का टैक्स वसूल किया जा रहा है इसमें फास्टैग में, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने नियर बाई SDM, DC और जो समाज सुधारक सेंटर्स हैं, आप उनमें जाएंगे और वहाँ पे आपको कंप्लेंट करनी है। कंप्लेंट भी आपको एक रिटर्न प्रूफ में करनी होगी, जिससे आपकी कंप्लेंट पे बहुत जल्दी सुनवाई होगी और आपका जो समस्या है उसका निदान किया जाएगा। दोस्तों आपको जो अपनी गाड़ी लेनी है वो ऑटो गेयर वाली लेनी है। ध्यान रखिएगा, ऑटो गेयर वाली गाड़ी लीजिए, जिससे आपको सेंसर लगे होंगे और आपके जो ब्रेक है सब ऑटो लगनी चाहिए। और साथ में आपको क्या लेना है, आपके जो टायर हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होनी चाहिए। विदाउट उसके नाइट्रोजन गैस होगी तो आपके टायर से गर्मियों में ना तो गर्म होंगे और ना ही जल्दी फटेंगे, और इसको फटने से भी आपको बचा सकोगे। और साथ के साथ आपको क्या करना है, अपनी जो गाड़ी ले रहे हो वो अपने हाइट के अकॉर्डिंग, आपके मूवमेंट के अकॉर्डिंग, आप कितना मूव कर सकते हो, किधर को मूव कर सकते हो, आपका ब्रेक किस साइड है, आपका हैंड किस साइड है, आपकी रेस किस साइड है, आप जिधर मूव करना चाहते हो उसको टोटली ऑटोमेटिक अडेप्टिव डिवाइस करवाएं, ताकि आपको जो फास्टैग का बेनिफिट है वो मिल सके। अगर आप इनको रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपको फास्टैग लेना है तो अपनी हाइट, अपने मूवमेंट, अपनी कैसे आपने चलानी है, किस हिसाब से चलानी है, किधर आपकी स्पीड है, कहाँ तक आपका हाथ है, आगे पीछे मिरर लगे हैं या नहीं लगे हैं, क्यों नहीं लगे हैं, तो ये आपको दिखना है कि आपको देखना है कि हम जो गाड़ी ले रहे हैं वो हमारी बिल्कुल सही है, और इसके अकॉर्डिंग ही हमें फास्टैग का कार्ड इशू होगा, जिसका आप फ्री बेनिफिट उठा सकते हो। डिसेबल पर्संस के लिए है, PWD एक्ट ने पास हुआ है। दोस्तों फिर अब हमने आपको बताया कि फास्टैग के बारे में जानकारी दे दी है, कि फास्टैग क्या था और कैसे था, क्यों यूज़ होता है, और हमारे PWD के अंडर आने वाली डिसेबिलिटी में ये यूज़ होता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट की कोई चार्जिंग नहीं है, और यह आराम से बनता है। बैंक में जाइएगा, अपने डॉक्यूमेंट दीजिएगा और अपना फास्टैग कार्ड बनवा लीजिएगा, आप ऑल ओवर इंडिया में फ्री ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और तो और कि आपको जो टैक्स है उससे में छूट मिल रहा है, 5 से 6% छूट मिल रहा है, GST में छूट मिल रहा है। अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवा लीजिए, पुरानी गाड़ी है तो उसको भी मॉडिफाई करवा लीजिए, और करवाने के साथ साथ इसमें फास्टैग का फ़ायदा लीजिए। PWD के अंडर आने वाली ऑल डिसेबिलिटी के ऊपर ये लागू है, जिसके साथ ही आप बने रहिएगा और आपको आने वाली जानकारी मिलती रहेगी। और आपको जो जो जानकारी चाहिए, क्वेरीज चाहिए, आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं आपकी क्वेरीज आने वाले टाइम में और भी क्लियर करूँगी, और आपको इसके बारे में और भी जानकारी मिलती रहेंगी फास्टैग के बारे में। अभी आपको मैं बताना चाहूँगी कि एक रूल्स है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी,
जो ऑटोमोबाइल एक्ट के अकॉर्डिंग 1988 में पास हुआ था उसके बारे में जानकारी दूंगी। फिलहाल आप फास्टैग का मज़ा लीजिए और ट्रैवलिंग कीजिए और अपनी मोबिलिटी को बढ़ाइए और एक दूसरे से मिलते रहिए। धन्यवाद।